चलो अगर मेहमान आते हैं तो ठीक है, ना आते तो ठीक है, हमारे लिए तो काम ही फैलेगा। अगर उन मेहमानों ने देख ली मेरा ब्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए। न्यू ईयर कैसा गया आपको कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरे लिए तो सारे दिन एक सही है, अब औरों की सोच से नहीं बता सकती हूँ, तो आप लोग जरूर बताना आपका न्यू ईयर कैसे गया है। मेरे लिए तो सब दिन एक से, यार कल का दिन भी बढ़िया गया है। तो रूबी तेरा न्यू ईयर कैसे गया बहन? बेकार। क्यों तेरा क्यों बेकार गया? बेकार गया मेरा न्यू ईयर। चुप रह तू। क्यों क्या मुझे मुझे बताओ ना क्या दिक्कत आ गई? तो हमारी कल दीदी चली गई थी, जो जो आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे डेली में लेती थी उन्हें, बड़ी वाली दीदी थी वो ससुराल से आई हुई थी रहने के लिए, तो कल वो चली गई। तो मैं रूबी से पूछती, रूबी कैसा लग रहा है वो चली गई? बहुत बुरा। ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा ना होना चाहिए? क्या याद आ रहा है सबसे ज्यादा? आरू। आरू की कुछ बातें? हाँ हंसी। कुछ ऐसी जो दिल पे लगी? कुछ ऐसी बात बता जो तू चाह के भी भूल नहीं सकती है, बता। जो कुछ काम ना है तू बता ना, टूटते मेरा काम है। पहले तो सभी को, पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ ये सच है, मैं अभी उठी हूँ क्योंकि भैया ठंड हो रही है, ठंड में किसका मन करा उठने का। मैं तो खाना बनाकर फिर दोबारा सो जाऊ। मेरी जैसी कई लौंडियां मिल लेगी ना, अपना सारा काम करके मैं दोबारा सो जाऊं। सही सच्ची बात है ये? क्यों सच्ची बात है ये? तो जब मुझे कुछ काम ही ना है, मुझे मतलब ऐसा तो है नहीं कि हाँ जो जल्दी काम कर लो, मुझे कहीं जाने जाना है या फिर किसी से बात करनी है, मेरे लिए तो कुछ भी ना है, मेरे लिए तो सब कुछ नॉर्मल है। घर का काम करूं, मैं सो जाऊं और अपना काम करती रहूं। तो रूबी क्या हो गया तुझे? बीवी की तमीज देख लो। बीवी बीवी अच्छा शब्द ना है? बीवी बेबी बोला इसने, बीवी बोला, बीवी बीवी अच्छा शब्द ना? आप लोग बताओ, पता हरियाणा में सब बेबे बोलते हैं अपनी बहन को, तो वो बेबे। मैं तो बीवी बोल रही हूँ, पता किसे बोले बीवी? ये तो लड़ने लग जा, मेरा सुबह सुबह ही ऐसे लड़ने लग गई। तो ये ऋतिक है, इसको सब लोग जानते हो, ये तो अभी भी सो रहा है। खैर तो हेलो भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुंडे कर ले जा। बाकी मैं यार सब लोग ऐसे है ना, बस पूछो मत ना। मेरा बच्चा है ना, मैं नू करके जो मुझे बुरे लगा नू फेंक। तो चलो अभी मैं मम्मी धोरे लेके चलती हूँ आपको। देखा कुछ बात है, अभी मैं कुछ कह दूंगी तो बुरी लग जाएगी भाई, मैं रजाई रख रही हूँ। तो चलो मम्मी के धोरे लेके चलती, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मैं तो अभी सो के उठी हूँ, तो चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स मम्मी को देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग। और मम्मी क्या कर रही है? अरे मम्मी साग काट रही। मम्मी तुम दूसरे तीसरे दिन साग बना लो यार। अरे हमारे खेत का डी एंड हो गया, साग का डी एंड होगा क्या? सरसों होगी पूरी? सरसों में फूल आ गया, अब साग तो कभी बनेगा तो कभी छठे चमा से बनेगा। अच्छा चलो कोई ना, मुझे तो ज्यादा खास लगता है ना। और मम्मी रात दीदी चली गई, तुम्हें कैसा लग रहा है? जाना ही था उसे तो अपने का। चश्मे उतारो, चश्मे अच्छे नहीं लग रहे। नहीं रहा। मम्मी भी अभी सो के उठ गए, ऐसे साग काटने लगे। सो के उठी हूँ मैं, साफ करिए। मतलब अरे हो मतलब साफ कर, ऐसे नहीं है कि अभी उन्होंने नहा लिया हो या मुंह धो लिया हो, अब नहाएंगी। तो कैसा लग रहा है तुम्हें रात दीदी चली गई? अच्छा तो नहीं लग रहा, पर जाएगी तो है ही अपने घर। बेटियां तो होती हैं दूसरे की। तू भी चली जाएगी एक दिन, मुझे छोड़। मैं तो आ जाऊंगी, कोई ना आता। मुसीबत में आवे लौंडी दारी, ऐसा कोई ना आती। अब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद आ रहा? दोनों की याद आ रही है, बच्चे की भी और उसकी भी। सबसे ज्यादा मतलब ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें याद आ रही हो कि हाँ ऐसा हो कर था, ऐसा हो कर था। आरू की, आरू की कौन सी बात याद आ रही है? हाँ अरे क्या है, बच्चा है। ओहो तुम तो कुछ कम है।
तुझे और कुछ काम ना है? यू मेरा काम है मम्मी। हाँ तो काम है तो करेगा, मुझे मतलब अपना। मैं बाहर जा करूंगी, बाहर जाकर भी लोग बना करूंगी जब तुम घर में मेरा साथ ना दे रही तो। ऐसा लगता ना ना मम्मी मेरी मम्मी हो, ऐसा लगा मेरी बड़ी बहन। बुढ़ापे में बड़ी बहन बना रही है मुझे। सब लोग यही बोलते हैं हमारे मोहल्ले में, पता है जब मम्मी हमारे साथ चलते हैं ना तो सब लोग ये बोलते हैं अरे ये तो बड़ी बहन सी लगे। बड़ी बहन लगूं मैं तो, कोई कह नहीं सकता। ये सारी तो टूटी फूटी पड़ी है। टूटी फूटी का मतलब है इनका दो तीन बार एक्सीडेंट होगा तो इनका शरीर बेकार हो रहा है। इन पे उठा नहीं जाता सुबह को तो शरीर दुखता है इनका बहुत ज्यादा, ऊपर से इनकी डिसलिप है तो इसलिए बीमार रहती हैं। तो अब भाई सुंदर हो गए तो नजर तो लगेगी। तो चलो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट भी करके, कमेंट करके जरूर बताना। मैं भी जाती हूँ भैया, नहाती हूँ। मेरे को मम्मी ने बोलेंगे तुझे तो कुछ काम है ही ना। वैसे भी बोलती रहती है मम्मी तो। तो चलो मैं जाती हूँ, जाके नहा के आती हूँ भैया। थोड़ा आज हमारे घर वैसे भी थोड़े मेहमान आने, कपड़े कपड़े निकाल दियो मेहमानों के, देना दाने को। तो चलो अगर मेहमान आते हैं तो ठीक है, नहाते तो ठीक है, हमारे लिए तो काम ही फैलेगा। अगर उन मेहमानों ने देख ली मेरा ब्लॉग तो कहेंगे लौंडी कितनी बोला है। तो मेहमान बुरा मत मानना मेरे पे, तुम्हें सबको पता है मेरी मजाक करने की आदत है। तो अगर मेरे चेहरे पे कुछ लग रहा है जैसे मैं सोके होके उठी हूँ तो ये मैं सोचना कि अभी मैं सोके उठी थी, ये मैं सोचना कि अरे ये तो ऐसी रहती है बावली से यूर वो खाना बना के दोबारा सोके। नहीं वो तो खैर अलग बात है, मेरा नेचर ही ऐसा है। मतलब मेरे को ना जैसे आजकल की लड़कियां रहती है फैशन वैशन, मेरे को इस तरीके का रहना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है सही बताऊं तो। मेरे को सिंपल रहना पसंद है और मैं सिंपल ही रहती हूँ, सभी लोगों को पता है। और ज्यादातर सभी लोगों को मेरे सिंपल ही पसंद आता है, सिंपल रहना मेरे को पसंद है। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पसंद आएगा क्योंकि जब मुझे पसंद है तो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और हमारी दीदी चली गई, अब जब आएंगी जब मैं दिखाऊंगी तो चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लगा है। और अपने सभी फ्रेंडों को भेजो जिसकी दीदी चली जाती है ससुराल, फिर उसके घर में कैसा माहौल छा जाता है ये कभी भी बताना। और उनको जरूर बताना जो लोग ससुराल जाके भूल जाती है लड़कियां अपने मायके को। कुछ होती है लड़कियां, ससुराल वाले इतने मतलब इतने बढ़िया होते हैं कि भूल ही जाती हैं। और जल्दी जल्दी शेयर कर दो इस ब्लॉग को। ओके जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, फिर मैं दूसरा ब्लॉग बनाती हूँ ठीक है।